सभी शिक्षक साथियों का निष्ठा प्रशिक्षण मॉडल बारे में प्रश्नोत्तरी भाग में स्वागत है, जो मॉडल का नाम है विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो इसके अंतिम भाग के प्रश्नोत्तर देखेंगे, जिससे कि सभी क्वेश्चंस अपने सही हो पाएँ और उनका आकलन आप अच्छे से कर पाएँ जब कैंटीन में हों। तो इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं, विभागीय कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो या कोई टेक्निकल जानकारी होती है तो हमसे अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट पता चल पाए। सो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसमें रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में मतलब कहा है, तो इसका क्या मतलब है कि पौधों की वृत्तियों में विविधता, जो अलग अलग पक्की बन रही है, तो इसका राइट आंसर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। सो गाइज हम सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर के बारे में बात करेंगे, जिससे कि सभी क्वेश्चन जल्दी हो पाएँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे, मतलब कि जो पत्तियाँ देखेंगे तो उससे वो उसका वर्गीकरण आसानी से कर पाएंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करते जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नीचे दी गई गतिविधियों छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका जो क्या राइट आंसर, नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्रित करें, निम्नलिखित में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्रित करते हैं, तो वो क्या है, रेशम के बारे में जानकारी इकट्ठे इकट्ठे करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी दुनिया मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, आपकी राय इस पे क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है परियोजना, परियोजना के माध्यम से सारी क्रियाएं होती हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, परियोजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यालय विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से विद्यालय विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप सबका समावेशी समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करेगा, ये समावेशी कक्षा से आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्कूल में भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है, तो उच्च प्राथमिक से इसको एक अलग विषय के रूप में स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और वीडियो को लाइक से जरूर कर दिए, जिससे सभी शिक्षक साथियों को आसानी हो, जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जो भी कोई मॉडल आएगा या फिर कोई भी विभागीय इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक टाइम, गुड बाय।